तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन्स में आने वाले एक हिडन फीचर के बारे में। ओके, ये हिडन तो नहीं है लेकिन ओके डेफिनेटली कोई इसे नोटिस नहीं करता है। ओके, तो मतलब ये है क्या? ओके, ये एक फीचर है अनाउंस कॉल्स करके। ओके, ये मतलब तब काम में आएगा जब आपने कोई भी मतलब TWS या फिर वायरलेस ईयरफोन्स आपने पहने हों, या फिर आप कार में हों और आपको मतलब फ़ोन मतलब आपको जल्दी से फ़ोन को एक्सेस नहीं कर सकते, फ़ोन आपसे दूर है और आपको किसी का कॉल आया है और आपको पता नहीं है कि किसने कॉल किया है आपको। डेफिनेटली आपको उसका कॉल उठाना है या नहीं उठाना, ये आपको पता नहीं चलता क्योंकि फ़ोन आपसे दूर रहता है। तो उस टाइम ये फीचर बहुत ही काम का है, ये अनाउंस कॉल्स का फीचर है। आपको ये सेटिंग के अंदर मिलेगा, देखते हैं। हम सेटिंग्स में जाना होगा आपको, बस उसके बाद में यहाँ पे आपको जाना होगा फ़ोन में, और यहाँ पे आप देख सकते हो अनाउंस कॉल्स, आपको इसे टैप करना है और आपको ये ऑप्शंस नज़र आएंगे, ऑलवेज, हेडफोन्स एंड कार, हेडफोन्स ओनली एंड नेवर। तो जब ऑलवेज पे आप टैप करोगे तो जब भी मतलब ईयरफोन्स चाहे कनेक्टेड हो या ना हो, आप कार प्ले से कनेक्टेड हो या ना हो, कॉल अनाउंस की जाएगी। अगर आपने हेडफोन्स एंड कार पे सेलेक्ट किया है तो जब आप कार प्ले या फिर हेडफोन्स से कनेक्टेड हो तब कॉल को अनाउंस किया जाएगा, बाकी टाइम नहीं। मतलब जब आप मतलब कार प्ले या फिर हेडफोन से कनेक्टेड हैं तभी कॉल को अनाउंस किया जाएगा, मतलब किसका कॉल आया है वो अनाउंस किया जाएगा। इसके बाद में हेडफोन्स ओनली का ऑप्शन है, मतलब बस हेडफोन्स कनेक्टेड होने के बाद ही कॉल को अनाउंस किया जाएगा, और उसके बाद में नेवर है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नेवर पे होता है, नेवर अनाउंस इनकमिंग कॉल्स। ओके, तो कभी भी कॉल्स को, इनकमिंग कॉल्स को अनाउंस नहीं किया जाता, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसी पे होता है। और ये सारे तीन ऑप्शन हैं, आपके हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो मतलब ओके, तो ये फीचर है। ओके, काफ़ी काम का फीचर है। मतलब काफ़ी बार ऐसे ही होता है कि आप फ़ोन से बहुत दूर होते हो और आपको उस व्यक्ति का कॉल उठाना है या नहीं, ये मतलब आपको उसके लिए फ़ोन को एक्सेस करना होता है, तो डेफिनेटली उस टाइम ये फीचर बहुत ही काम का है। तो आप मतलब चाहे तो हेडफोन्स या फिर हेडफोन्स एंड कार पे इसे आप रख सकते हो। तो बस आपको मतलब डेफिनेटली इस फीचर को एक ट्राई देना चाहिए। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ओके कुछ ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। एंड अगर आप इस फीचर को यूज़ करने जा रहे हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।